सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स द्वारा आज से काम छोड़ो हड़ताल शुरू कर दी गई है, जिसके कारण अस्पताल में इलाज करवाने के लिए पहुंच रहे मरीजों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी देते हुए डॉक्टर्स ने कहा है कि मांगों को लेकर पंजाब सरकार के साथ पहले भी कई मीटिंग्स हुई, लेकिन बात बेनतीजा ही रही, जिसके बाद सभी डॉक्टर्स द्वारा हड़ताल पर जाने का फैसला लिया गया है। हाँ जी, जी साड़ी सरकार नूं आपां मंगा दित्ती हैं 2 साल तो, लास्ट 2 महीने साड़ी सरकार नाल साड़ी टॉक्स चल रहे हैं, तो लास्ट 2 वीक सरकार नाल साड़ी 4 मीटिंग हो चुकी ने, तो पर साड़ी जिहड़ी मंगा दित्ती हैं सानूं लग नहीं रहा कि साड़ी मंगा भी जिहड़ा है कुछ भी जिहड़ा है उहदी पूरी होण दी भी आस है, इस करके मजबूर होकर जिहड़े डॉक्टर हैगे ने अज जिहड़े हड़ताल से बैठे ने। एक तो है जेडे कि डॉक्टर की काफ़ी ऑलरेडी घट चल रही है, बड़ी डिमांड है सरकार को कि सेहत सेवाओं बेहतर करने होर जो एम्बुलेंस डॉक्टर ने भर्ती किए जाए, ता जो एमरजेंसी सेवावान है जो होर भी कई वक् वक् तरह की सेवावान उन्होंने आप अच्छे तरीके लोग सेवा से अर्पण कर सकते हैं। सर जो डिमांड्स पूरी नहीं होंगी तो मरीज भी परेशान हो रहे जिदा? हाँ जी हाँ जी, मरीजों देखो जी मरीजों की सहूलत वास्ते आप स्ट्राइक साड़ी ऑल पहले फुल डे सी, बट हूँ आप स्ट्राइक जी सिर्फ हाफ डे ही की 3 घंटे की, इस बाद 3 घंटे जो है कोई भी जो मरीज साढ़े से हॉस्पिटल अदारे जा रहा आप सारे मरीज देख के ही घर जाएंगे, चाहे सू 2 जगह 3 की 4 की 5 आ जाए शाम को, कोई भी डॉक्टर जरा बिना मरीज देखे अपने घर कोई वापसी नहीं करेगा, पर फिर भी इस हड़ताल राही सा सरकार अपील है कि जी सा TCMS डॉक्टर एसोसीएशन की मंगा ने उन्होंने प्रति जो है थोड़ा जल्द तो जल्द कार्रवाई करके सू जायज मंगा ने वो पूरी की। आज हड़ताल हम लोगों को इसलिए करनी पड़ी क्योंकि हमने सरकार से 3-4 सेशन किए थे बातचीत के, जो हमारी डिमांड है वो करने वाली, सर इनमें से प्रमुख हमारी डिमांड ये है कि एक तो डॉक्टरों की भर्ती कर दें, दूसरा कैरियर प्रोग्रेशन जो डॉक्टर्स का होता है वो दिया जाए, और तीसरा मेन है कि हमारी सिक्योरिटी जो है डॉक्टर्स की वो दिखाएँ, बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं सिक्योरिटी को लेकर डॉक्टर्स के साथ, और ये सारे हमारे बेनिफिट के लिए नहीं है, ये सारे लोगों के लिए भी है, क्योंकि अगर डॉक्टर्स ज़्यादा भर्ती होंगे तो पेशेंट्स को अटेंड करने के लिए भी ज़्यादा डॉक्टर होंगे, और अगर कैरियर प्रोग्रेशन नहीं मिलता है किसी भी डॉक्टर को इसीलिए डॉक्टर बीच में छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि अप्रोप्रिएट कैरियर प्रोग्रेशन नहीं होता है उसको उस हिसाब से मिलना चाहिए, तो इसलिए अगर प्रॉपर कैरियर प्रोग्रेशन मिलेगा, प्रॉपर भर्ती होगी और प्रॉपर सिक्योरिटी मिलेगी तभी एक डॉक्टर पीसफुली काम कर सकेगा और अपने मरीजों को देख सकेगा, और हम यही चाहते हैं, इसीलिए हमने पूरे दिन की स्ट्राइक ना करके मरीजों का भी ध्यान रखते हुए सिर्फ पहले आधे दिन की 3 दिन तक स्ट्राइक करिए, ताकि जब हमारी 11 तारीख को अगर बात बन जाती है तो हम इसको उस हिसाब से कर सकें, अगर नहीं मानी जाती है तो हमारी फिर पूरे स्ट्राइक होती है बाद में।